नमस्कार आचार्य वाणी देख रहे सभी महानुभावों का मैं पंडित गौरव आचार्य अपने इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों रोज नए नए विषयों के साथ आप सबके जीवन में सुख समृद्धि और पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए जो हम ये कार्यक्रम लेके आते हैं ताकि आपके जीवन में ज्योतिष के माध्यम से आपको इस समंदर की दो बूंद का जो बेनिफिट है वो मिल सके। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें आप यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। YouTube पर सर्च करें पंडित गौरव आचार्य, वहाँ आपको हमारे सारे कार्यक्रम मिलेंगे। और इसके अलावा हमसे Facebook पर जुड़ने के लिए आचार्य एस्ट्रोलॉजर पेज के साथ हमें जुड़ सकते हैं, उसको फॉलो किया जा सकता है। तो हमारे जीवन में ज्योतिष के माध्यम से बहुत सारे हमें बेनिफिट मिल सकते हैं, बशर्ते सही ज्ञान सही चीज़ों का सही रूप से प्रयोग। तो आज इस कार्यक्रम में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मेटल्स की, धातुओं की। धातुओं का हमारे जीवन पर कैसे हमें प्रभाव मिलता है, धातुओं का हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होता है। धातुएं जो हैं वो प्राकृतिक रूप से इस ईश्वर द्वारा इस यूनिवर्स द्वारा बनाई जाती हैं। मेटल्स जो हैं वो कुदरती तौर पर जब हमें मिलती हैं तो उसका प्रयोग जो है वो हमें बहुत ही बेनिफिट देता है ग्रहों के रूप में ज्योतिष के रूप में। तो प्राकृतिक माँ ने हमें बहुत ज़्यादा अनमोल रहस्य अनमोल तोहफे इस प्रकृति की गर्भ से दिए हैं। हमें उसका लाभ किस प्रकार लेना है, किस प्रकार हमारे जीवन में इन धातुओं के माध्यम से हमें फ़ायदा मिल सके, ज्योतिष में इन धातुओं का बहुत जगह अलग अलग रूप से वर्णन आता है। तो धातु हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत ही बल देती हैं। मेटल्स आर जस्ट लाइक अ टॉनिक। तो हमारे जीवन में इन धातुओं के माध्यम से कैसे तरक्की मिल सके, कैसे सुख समृद्धि में बढ़ोतरी हो सके, उसके लिए इस कार्यक्रम में आप सभी से जो हम बातचीत कर रहे हैं उसमें है जो सबसे पहले हम धातु की बात करेंगे वो सोना धातु की। सोना जो मेटल है वो सूर्य की धातु है। सोना इस प्रकृति से सूर्य का प्रभाव देता है। शुद्ध सोना जो है वो सूर्य की धातु है। बहुत ग्रंथों में बहुत शास्त्रों में तांबे का भी वर्णन किया जाता है, तांबा भी सूर्य की धातु है, लेकिन जो रिसर्च करने के बाद हमें मिलता है वो है शुद्ध सोना सूर्य की धातु है। और मिश्रित सोना जो है वो बृहस्पति की धातु है। आम जनरल शब्दों में आम जनरल ग्रंथों में जो बृहस्पति है उसको सोने के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन जहाँ बात ज्वेलरी की आती है, जहाँ बात कुछ उसको जेवर बनाने की आती है या उसको कोई रूप देने की आती है, तो वहाँ पर जब सोने का शुद्ध रूप का प्रयोग नहीं होता है वहाँ पर मिश्रित सोने का प्रयोग होता है। तो बात हो रही है सोने की, शुद्ध सोने की सूर्य की धातु की। तो सूर्य जिसका भी बलि हो उसको जीवन में जान पहचान मान यश और बहुत ज़्यादा संबंधों से लाभ मिलता है। जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन या जिनको जनता का लोगों का साथ मिलता है उनका सूर्य अच्छा होता है। तो सूर्य अच्छा होने से हमारे जीवन में पॉजिटिविटी का संचार होता है। सूर्य की धूप, सूर्य एक ऐसी जो ग्रह की ऊर्जा है, इस ऊर्जा से हमारे जीवन पर मेडिकली और फिजिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मिलता है। सूर्य की रोशनी के बिना ये संसार नहीं चल सकता। तो बात हो रही है सूर्य की धातु की, सोने की। तो सोना धारण करने से सूर्य को बल मिलता है। शुद्ध सोने को धारण करने से मन और मस्तिष्क पर सूर्य ग्रह की पॉजिटिविटी का संचार होता है। बहुत सारे ग्रंथों में सूर्य को नेगेटिविटी को काटने का एक कारक भी माना जाता है। इसके बाद हम जब बात करते हैं चांदी की, तो चांदी जो है वो चंद्रमा की धातु है। चंद्रमा नींद का कारक है, चंद्रमा संयम का कारक है, चंद्रमा आगे बढ़ने की शक्ति का कारक है। चंद्रमा हमारे मस्तिष्क में नए नए पॉजिटिव विचारों को भरने का कारक है। तो चंद्रमा की ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम चंद्रमा की धातु चांदी को धारण करते हैं।
चांदी के अलग अलग रूप से हमें अलग अलग प्रकार के बल मिलते हैं। हम आम शब्दों में हर एक इंसान को पता है शुद्ध चांदी का बिना जोड़ का छल्ला या शुद्ध चांदी का कड़ा पहनने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों को चांदी का चकोर टुकड़ा भी धारण करना, तो चंद्रमा की धातु हमें चंद्रमा का बल देती है। चांदी को धारण करने से हमारी शरीर में चंद्रमा की जो ऊर्जा है, चंद्रमा की जो एनर्जी है, उसका संचार होता है। इसमें पॉजिटिविटी बढ़ती है और इस पॉजिटिविटी के साथ हमें चंद्रमा की ताकत मिलती है, जिससे हमारा मन, हमारा दिमाग जो है वो पॉजिटिव रूप में कार्य करता है। और चंद्र ग्रह जो है वो नए विचार, नई ऊर्जा और जीवन में आगे बढ़ने का प्रतीक है। आगे हम बात करते हैं तांबे की, तो तांबा जो धातु है वो मंगल ग्रह की धातु है। हम सबको पता है कोई भी मंगल ग्रह से संबंधित यदि कष्ट हो तो तांबे का कड़ा या ताम्र जो है उससे उपयोग करने वाले बहुत सारे उपाय ज्योतिष में किए जाते हैं। तो मंगल ग्रह की ऊर्जा को शरीर के अंदर बढ़ाने के लिए हम मंगल की धातु तांबे का उपयोग करते हैं। मंगल की धातु पहनने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी में जो रक्त कणिकाएं हैं उनका जो संतुलन है वो बना रहता है। तो मंगल ग्रह की धातु जो है ये मंगल ग्रह की ऊर्जा को संचित करके हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। जिस प्रकार हम रत्न पहनते हैं, ग्रहों के नग पहनते हैं, उसी प्रकार ये धातुएं भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एक हमने कार्यक्रम भी किया था पीतल के बर्तन घर में रखना क्यों ज़रूरी है, वो भी आप YouTube पर हमें सर्च कर सकते हैं पंडित गौरव आचार्य और आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। तो पीतल के बर्तनों वाला भी हमारा कार्यक्रम ज़रूर देखें। जिन स्त्रियों को मासिक धर्म से संबंधित परेशानी होती है उनके लिए भी मंगल की धातु है, क्योंकि जो इम्बैलेंस है ये मंगल और शनि के प्रभाव से होता है। यदि हम मंगल को अच्छा करें तो ये मंगल की धातु पहनने से उनको भी बहुत अधिक बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में हम ये भी बताएंगे किन राशि वाले लोगों को या किन लगन वाले लोगों को कौन सी धातु पहनने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो बात हो रही है तांबे की, तो आगे हम बात करेंगे पीतल की। पीतल जो है वो बृहस्पति की धातु माना जाता है। बृहस्पति ग्रह जो है वो संयम, अध्यात्म और इंटेलेक्चुअल चीज़ों का ग्रह है। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी बृहस्पति ग्रह में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग किसी प्रकार के ज्ञान से संबंधित कार्यक्रम से जुड़े हैं या ज्ञान से संबंधित किसी प्रकार के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए भी पीतल धातु बहुत अच्छी होती है। तो पीतल धातु या मिश्रित सोना, जो लोग सोना अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए पीतल धातु, तो ये पीतल धातु पहनने से शरीर के अंदर बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। बृहस्पति ग्रह संयम का, सुख समृद्धि का कारक है। जिन लोगों को बरकत नहीं है, जिन लोगों को सेविंग की दिक्कत आती, उनके लिए भी अपनी कुंडली के हिसाब से बृहस्पति से संबंधित ग्रहों का उपाय करें, उससे भी पॉजिटिविटी होगी। तो पीतल जो एक धातु है वो बहुत ही संयम वाली धातु है। पीतल को धारण करने से घर में सुख समृद्धि और धन का जो अभाव है उससे हमें कमी जो आती है उससे हमें निजात मिलती है। तो इससे घर की सुख समृद्धि बढ़ती है। आगे हम बात करें कांसे की धातु की, तो जो कांसे की धातु है ये बुध ग्रह से संबंधित है। जो लोग वाणी से रिलेटेड काम करते हैं, जिनको वाणी संबंधित कोई दोष है, तो ज्योतिष के उपाय में बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कांसे के बर्तन में पानी रख के पीते हैं, उसका भी औषधीय रूप या मेडिकली हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो बुध जो लोग विचारों के साथ, थॉट्स के साथ काम करते हैं, नई इनोवेशंस के या वाणी के साथ संबंधित किसी तरह के कंसल्टेशन या लॉ से संबंधित, उनके लिए भी बुध की धातु कांसा एक जो है वो रामबाण चीज़ है, एक वरदान है। तो इसके अलग अलग प्रयोग, इसके अलग अलग उपयोग हम कैसे कर सकते हैं वो ज्योतिष के माध्यम से हम ज्ञात हो सकता है। कांसे के बाद हम बात करें लोहे की धातु की, तो लोहा शनि से संबंधित धातु है, शनि संयम का
और लोहे में इतनी एनर्जी है, ये किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नज़र दोष, बाधा को भी ख़त्म करता है। क्योंकि शनि जो है एक ऐसा ग्रह है जो किसी प्रकार के तंत्र मंत्र और बाधाओं को ख़त्म करने के उपयोग में आता है। जिनकी जन्म कुंडली में या जिनके ऊपर बाधाएं होती हैं, किसी प्रकार का तंत्र मंत्र का प्रभाव है, वो लोग लोहे का छल्ला पहन सकते हैं। ज्योतिष के बहुत सारे उपायों में लोहे के छल्ले को पहनने का विधान है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टील धातु की। स्टील धातु राहु की धातु मानी जाती है। शास्त्रों में स्टील धातु का बहुत कम वर्णन आता है, लेकिन लाल किताब में स्टील के छल्ले का बहुत जिक्र है। जो लोग जिनका बुध बारवां हो या जो लोग किसी प्रकार के वाणी से रिलेटेड काम करते हैं और उनको पॉजिटिविटी कम मिलती है, ऐसे लोग स्टील का छल्ला नकारात्मक ऊर्जा को या अपने आसपास बुरी शक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए एक किस्म का रक्षा कवच जो लोग धारण करना चाहते हैं, उनके लिए स्टील का बिना जोड़ वाला छल्ला एक बहुत ही उपयोगी धातु है। तो ज्योतिष अथा सागर है। इस सागर में ना जाने कितने प्रकार के हीरे मोती जवाहरात भरे पड़े हैं। तो आपकी जीवन में इस ज्योतिष रूपी सागर में से कौन सा रत्न आपके जीवन को सूट करेगा, किस रत्न से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, इस ज्योतिष रूपी सागर का आप भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो अपने जीवन में ज्योतिष संबंधित गहराइयों में उतरने के लिए, किसी प्रकार का परामर्श लेने के लिए या अपने जीवन की परेशानियों को समाप्त करने के लिए, आपको पता है नीचे स्क्रीन पर नंबर्स हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो किस राशि वाले लोगों को कौन सी मेटल सूट करेगी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि वाले जो लोग हैं वो तांबा धारण कर सकते हैं, वो सोना धारण कर सकते हैं और पीतल धारण कर सकते हैं। तो मेष राशि वाले लोगों को जो धातु उनके लिए सूट करती है वो ये तीन धातु होती हैं। इसके अलावा जो धातु हैं वो उनको पहनने से बचें, या अपनी जन्मपत्री दिखाकर या अपनी जन्मपत्री के ग्रहों के अनुसार अन्य धातु धारण करें। बात हो रही है आगे वृष राशि वालों की। तो वृष राशि वालों के लिए जो धातु उनके लिए सूट करेगी वो चांदी सूट करेगी, वो उनके लिए कांसा सूट करेगा और लोहा सूट करेगा। तो वृष राशि वाले लोग चांदी भी धारण कर सकते हैं, कांसा भी धारण कर सकते हैं और लोहा भी। इसके अलावा अन्य किसी धातु को धारण करने के लिए आपको परामर्श लेना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वाले लोगों को कांसा और लोहा ये दोनों धातु धारण कर सकते हैं, इनके लिए अच्छी रहेगी। आगे हम बात करें चार नंबर कर्क राशि वाले लोगों को, तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए चांदी धारण करना उत्तम है। उसके बाद पाँच नंबर सिंह राशि वाले लोगों को भी तांबा और सोना, छः नंबर कन्या राशि वाले लोगों को कांसा धारण करना चाहिए, सात नंबर तुला राशि वालों को चांदी धारण कर सकते हैं और लोहा, दोनों एक साथ नहीं करनी है, अलग अलग धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आठ नंबर वृश्चिक राशि वाले लोगों को तांबा और सोना सूट करेगा, चांदी भी आप अपनी ग्रह स्थिति अनुसार पहन सकते हैं। धनु राशि वाले लोगों को पीतल और सोना, मकर राशि वाले लोगों को लोहा धारण करना चाहिए, कुंभ राशि वालों को भी लोहा और मीन राशि वालों को शुद्ध सोना और पीतल। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, तो ये हो गया किस राशि वालों को कौन सी धातु धारण करनी चाहिए। आज जो हम ईमेल लेने जा रहे हैं ये ईमेल है शिल्पा जी का। शिल्पा जी की डेट ऑफ बर्थ है 27/3/85 और 8:45 शाम के, दिल्ली का इनका जन्म है। ये जॉब से रिलेटेड परेशान है और जॉब इनको मिल जाएगी कि नहीं, अपना काम करें कि ना करें, इस संबंधित इनका सवाल है। तो शिल्पा जी, आपका जो तुला लगन की पत्री बनती है और शुक्र आपका सूर्य के साथ पीड़ित है, तो आपको जॉब जो है वो भी जुलाई तक थोड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। ये साल आपका खुद का काम करने के लिए पॉजिटिव नहीं है, इस साल में अपना काम करेंगे तो नुकसान हो सकता है, पैसे ब्लॉक हो सकते हैं। उपाय के लिए आपको क्या करना है, जौ का आटा, नारियल का बूरा,
काले सफ़ेद तिल और शक्कर पांचों चीज़ों को बराबर मिलाकर एक मुट्ठी रोज कीड़े मकोड़ों को डालें। इस उपाय को करने से जॉब संबंधित जो कष्ट हैं वो ख़त्म होंगे, आपको जल्दी ही विद इन 10-15 डेज मंथ में जॉब जरूर मिलेगी और ये उपाय आपके जीवन में पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे, नकारात्मकता को ख़त्म करेंगे और अपना काम अभी इस साल ना करें। तो आपके जीवन में भी यदि कोई कष्ट और परेशानी है तो हमें मिला जा सकता है, मिलने के लिए स्क्रीन पर नंबर्स हैं। और यदि आप अपना ईमेल इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं तो panditgauravacharya@gmail.com पर अपना जन्म विवरण और साथ में सवाल लिखकर भेजें। तो आज इस कार्यक्रम से आप सभी के जीवन में शुभता और मंगल कामनाओं की कामना करते हुए मैं पंडित गौरवाचार्य आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।